हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन एडमिटेशन का दूसरा जो टॉपिक है मुगल एडमिटेशन, उसके बारे में आज हम देखते हैं। इस चैप्टर के को हम कैसे डील करेंगे। ये जो है मुगल एडमिटेशन, एक बहुत अच्छा एडमिटेशन है। आज से लगभग 600 साल पहले ये मुगल एडमिटेशन को हुआ, मतलब कि हुआ था, लेकिन आज भी हम क्यों ये पढ़ते हैं, क्यों ये हम देखते हैं, इसके बारे में देखें। कुछ तो इसकी अच्छी खामियां भी है, वो हम अपने आज के जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी हम लोग देखते हैं। जो आप देखते हैं कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ खामियां और कुछ अच्छाइयां है, उसको भी देख के हम आगे बढ़ते हैं। चलते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ये मुगल हिस्ट्री में हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मेरा पोलिटिकल साइंस या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है। तुम ज्यादा मुगल के इतिहास में नहीं जाके उसके एडमिनिस्ट्रेशन, उसके व्यवस्था के, शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुगल जो था, ये जो मुगल जो तुर्की मंगोलिया के परंपरा को आगे बढ़ाते थे, क्योंकि ये मंगोलिया टर्की के थे। तो ये जो शासन था, ये स्वतंत्र मतलब शक्तिशाली स्वतंत्र के अवधारणा पर रखते थे मुगल। अब यहाँ पे आगे चल के मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या क्या जो अंतर है वो सभी हम लोग देखेंगे। जो यहाँ पे देखो, मुगल जो अभी खलीफा के सत्ता को नहीं मानता था उस समय के। अब जो हम लोग को तो मालूम होना चाहिए कि खलीफा क्या होता है, जो उस समय होता था, जो मतलब कि एक तरीका से जो मुस्लिम लीडर होते हैं, जो इनको खलीफा बोला जाता है। तो वो जो जो मुगल थे, ये इनको मानते नहीं थे, इनको इनका एडमिटेशन खलीफा को एडमिशन को ना मांगता था। ये इसके कारण, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो चंगेज खान थे, जो वहां उस समय के बगदादी के जो खलीफा के, उनकी हत्या कर दी, क्योंकि उनकी दुश्मनी हो सकती है या कुछ भी हो सकती हो। इसके अंदर में हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के जो लीडर किंग हुआ करते, वो खलीफा को नहीं मानते थे। इसलिए ये मुगल शासन क्या अपने आप को खलीफा से घोषित कर दिया कि मैं खलीफा को नहीं मानूंगा, विदेश नीति को, मैं उनकी विदेश नीति को नहीं अपनाऊंगा। इसी को आगे किया उन्होंने, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक हमारा टॉपिक है, बादशाह और सुल्तान का अंतर क्या होता है। सुल्तान क्या होता है, सुल्तान जो जैसे दिल्ली सल्तनत के जो लोग थे वो सुल्तान कहलाते, लेकिन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग थे वो खलीफा कहलाते थे। सॉरी, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग थे वो बादशाह कहलाते। तो सुल्तान क्या होता है, जिसके सुल्तान वो किंग हुआ करते थे जो खलीफा को मानते थे, और जो बादशाह सर जो खलीफा को नहीं मानते थे। यही दोनों के बीच का एक छोटी सी डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बाबर क्या किया, बार-बार अपने आप को बादशाह या बादशाह घोषित किया। इसका मतलब हुआ क्या कि वो खलीफा को नहीं मानते, उनकी जो विचार थी वो अलग हो सकती है, उनका जो ये, ठीक है। तो ये तो बाबर की हो गई। उसके बाद अकबर में पहली बार क्या हुआ, राष्ट्रीय भारतीयकरण हुआ, मतलब कि जो बाबर के बाद उनके बेटा आता है हुमायूं, उसके बाद अकबर में पहली बार ये राष्ट्रीयकरण होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो पोस्ट थे उसमें इंडियन लोगों को भर्ती किया गया। ये जो अबुल फजल को फरमाए इलाजी के नाम से कहते थे, मतलब कि वो देवी प्रकाश के को राजा से डायरेक्ट देवी की शक्ति मिलती है, इससे जोड़ते हैं। फिर वही जागीर के सुले कुल की नीति के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर साजा इसी जो ये नीति है उसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन औरंगजेब क्या करते हैं, ये जो नीति है जो सुले कुल या जो फरमाए इलाइज वो नीति को ना अपनाते हैं, और उसके बाद वो अपनी अलग एक नीति बना देते हैं। वो अपने को दरे अभी मतलब, और उसके बाद दरे इस्लाम के नाम से बता देते हैं, मतलब कि भारत को दरे इस्लाम मतलब इस्लामों का देश बता देते हैं। उसके बाद ये सब हम लोग देखते हैं।